हेलो किड्स, वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के फर्स्ट लेसन हेलो रेन की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग्स। देखिए, लिखा है पीटर पैटर। पीटर पैटर का अर्थ होता है टैपिंग साउंड ऑफ रेन, मतलब बारिश की टैपिंग साउंड, टप टप की आवाज, टप टप। स्प्लिश स्प्लैश, इसका अर्थ होता है छप छपाते हुए, मतलब पानी जब भरा हुआ होता है तो उस पर हाथ मारते हैं ना ऊपर से, और छप छप की साउंड आती है, उसी को कहते हैं स्प्लिश स्प्लैश। देखिए, लिखा भी है छप छप। बूहू, बूहू का अर्थ होता है टू क्राई नॉइसली। नॉइसली मतलब शोर करके, टू क्राई नॉइसली, शोर करते हुए रोना, मतलब जोर से रोना। रेनकोट, रेनकोट होता है बरसाती। वेयर, वेयर का अर्थ होता है पुट ऑन, मींस पहनना। फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं बच्चों रबर या प्लास्टिक के स्लीपर्स, रबर या प्लास्टिक की चप्पलें। हुक, हुक होता है पैग, मतलब खूंटी। होल्ड, होल्ड का अर्थ होता है ग्रिप, पकड़ना। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर्स की ओर चलते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द रेनकोट से टू मुन्नी, रेनकोट ने मुन्नी को क्या कहा, क्या कहा था, पॉइंट में सेंटेंस है ना। वेयर मी, सेज द रेनकोट, रेनकोट कहता है मुझे पहन लो। देखो, आंसर लिखेंगे रेनकोट सेड, रेनकोट ने कहा वेयर मी, मुझे पहन लो। सेकंड क्वेश्चन, नेम ऑल द थिंग्स मुनी यूज्ड व्हेन शी वेंट आउट, उन सभी चीजों के नाम लिखो, नाम बताओ जो मुनी ने उपयोग किए। व्हेन शी वेंट आउट, जब वह बाहर गई, कौन कौन सी थी, रेनकोट और अम्ब्रेला। पॉइंट में सेंटेंस है ना। आई शैल वेयर माई रेनकोट, कहती है मुन्नी कि मैं अपना रेनकोट पहनूंगी, और उसके बाद ही सेंटेंस है आई शैल होल्ड माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता ले लूंगी। तो मुन्नी ने ये दो चीजें यूज की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डिड मुन्नी से टू द रेन एट द एंड, मुन्नी ने बारिश को क्या कहा, एट द एंड, अंत में, कविता के अंत में मुन्नी ने बारिश को क्या कहा था, कहा था ना कि हेलो रेन हियर आई कम, तो वही लिखेंगे मुन्नी सेड, मुन्नी ने कहा हेलो रेन हियर आई कम, हेलो रेन मैं यहां हूं, मतलब आ रही हूं। मुन्नी बाहर जाती है ना अपनी अम्ब्रेला लेके और रेनकोट लेकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, वॉज मुन्नी हैप्पी और सैड इन द बिगनिंग, शुरुआत में मुन्नी खुश थी या दुखी थी। मुन्नी दुखी थी ना, क्योंकि बारिश हो रही थी और कह रही थी मैं स्कूल कैसे जाऊं, सब जगह गीला ही गीला है। तो लिखेंगे आंसर में मुन्नी वॉज सैड इन द बिगनिंग, शुरुआत में मुन्नी दुखी थी। चलिए, अब नंबर सेकेंड, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन, पाठ में निम्नलिखित पंक्तियां कौन कहता है। राइट द नेम ऑफ द स्पीकर इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस प्रोवाइडेड है, जगह दी हुई है, उसमें बोलने वाले का नाम लिखो जिसने ये पंक्तियां कही है जो लिखी हुई है। नंबर वन पे देखो, हाउ विल आई गो टू स्कूल, इट इज सो वेट, बूहू, मैं विद्यालय कैसे जाऊं, यह बहुत गीला है, हर जगह गीला था ना, बारिश हो रही थी, बूहू, और जोर से रोती है, तो कौन कहता है, यह मुन्नी, लिखेंगे मुन्नी। सेकेंड, वेयर मी, मुझे पहनो, कौन कहता है, रेनकोट कहता है, तो लिखेंगे रेनकोट। नंबर थ्री, होल्ड मी एंड गो, मुझे पकड़ो और जाओ,
कौन कहता है, याद करो, अम्ब्रेला. वेरी गुड. लिखेंगे अम्ब्रेला मीन्स छाता. नंबर फोर, आई शैल वेयर माई रेनकोट. मैं अपना रेनकोट पहनूंगी. आई शैल होल्ड माई अम्ब्रेला. मैं अपना छाता पकड़ूंगी. यह कौन कहता है? मुन्नी कहती है. तो आंसर इज मुन्नी. चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. नंबर थर्ड, मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद पिक्चर्स इन कॉलम बी. कॉलम ए में दिए हुए शब्दों को कॉलम बी में दी हुई तस्वीरों के साथ मैच करो, मतलब मिलाओ. तो देखो बच्चों, अब सबसे ऊपर लिखा है बूहू. बूहू का मतलब क्या? जोर जोर से रोना. और यहां पर कौन जोर जोर से रो रहा है? देखो यहां यह बच्चा रो रहा है, तो इसको इससे मैच कर देंगे. देखो मैच कर दिया है. अब अगला रेनकोट. रेनकोट कहाँ है? ये रहा रेनकोट. अब रेनकोट ये वर्ड लिखा है ना, इसको इसकी पिक्चर के साथ मैच करेंगे. हो गया मैच. अब अगला देखो बच्चों, फ्लिप फ्लॉप्स. क्या होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स? रबड़ या प्लास्टिक की चप्पलें. कहाँ है? ये रही. मैच करेंगे. ये भी हो गया मैच. अब अगला है स्प्लिश स्प्लैश. क्या होता है? छप छप, पानी में छप छपाना. देखो ये रहा. तो ये भी बच्चों मैच हो गया है. चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं. देखो बच्चों, वोकैबुलरी में लिखा है नंबर फर्स्ट पर, पिक आउट पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेसन विच एंड विद द सेम साउंड. कविता में से जो लेसन है, पाठ में से पिक आउट मतलब छांटने हैं शब्दों के जोड़े, विच एंड विद द सेम साउंड, जो कि सेम समान आवाज के साथ एंड होते हैं, जिनकी लास्ट में आवाज सेम हो. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए किया हुआ है. पीटर पैटर. देखो टर टर है ना पीछे, इसमें देखो स्प्लिश स्प्लैश, दोनों में लास्ट में श और श है. इसमें देखो डॉर फ्लोर और क्या है पोइम में? रेन रेन, गो अवे, कम अगेन, अनदर डे. तो लास्ट में ए और ए है. ये भी पॉइंट में ही था, याद है ना आपको. एक और है, लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले. रेन रेन, गो अवे. तो अवे और प्ले ये दोनों भी क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स हैं. इनको बेटा राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. ये राइमिंग वर्ड्स हैं. देखो बेटा, अवे और प्ले ये भी है, पीछे सेम साउंड है, ये भी सेम साउंड के साथ एंड हो रहे हैं दोनों के दोनों. अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. देखो क्या लिखा है नंबर सेकंड पर. लिखा है सर्कल द वर्ड्स इन द ग्रिड रिलेटेड टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस. उन शब्दों को सर्कल करना है इन ग्रिड में, जो कि डिफरेंट अलग अलग किससे? वेदर. वेदर होता है मौसम. कंडीशंस मतलब हालात, मतलब अलग मौसमी हालातों से संबंधित हों. यू मे चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आप इन बॉक्स में से दिए हुए शब्दों को चूज कर सकते हैं. वन हैज बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए किया हुआ है. देखो ड्रिजलिंग लिखा है ना यहां ड्रिजलिंग को ढूंढा हुआ है और सर्कल किया हुआ है. चलिए अब करते हैं हम भी. सबसे पहले दिया हुआ है देखो कौन सा, फोगी करते हैं. ये फोगी दिया हुआ है ना, इसको करते हैं सबसे पहले. देखो एफ कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढो यहां पर. फोगी एफ से स्टार्ट हो रहा है ना. देखो ये सबसे ऊपर दिया हुआ है ना एफ, और एफ ओ जी जी वाई, फोगी. तो इसको कर देंगे सर्कल. ये हो गया है बच्चों. अब अगला देखो, ये वाला ढूंढते हैं. वाइंडी कहाँ है? डब्ल्यू ढूंढो सबसे पहले. ये रहा
W I N D Y। अब इसको सर्कल कर देंगे। देखो अगला ढूंढते हैं क्या लिखा है, स्वेटी। कहाँ होगा स्वेटी? S से शुरू होगा ना, तो S ढूंढेंगे सबसे पहले। देखो ये दिया हुआ है S W E A T Y, स्वेटी। इसको कर देंगे सर्कल। ये हो गया है बच्चों। अब अगला देखो ड्रिजलिंग, ये तो सर्कल किया ही हुआ था। स्टॉर्मी देखो कहाँ है, S T O R M Y कहाँ है ढूंढो। ये देखो S T O R M Y स्टॉर्मी, तो इसको सर्कल कर देंगे। ये हो गया सर्कल। अब नेक्स्ट देखो वेट, देखो वेट कहाँ है, ये रहा W E T वेट। अब देखो क्लाउडी कहाँ है, क्लाउडी ये रहा देखो C L O U D Y क्लाउडी। अब इसे सर्कल करेंगे। बच्चों ये भी सर्कल कर दिया हमने। अब रेनी कहाँ है, रेनी देखो R A I N Y ये रहा। अब इसे भी सर्कल कर देंगे। अब देखो अगला ड्राई कहाँ है, देखो D R Y ड्राई ढूंढो कहाँ है, कहीं नजर आ रहा है आपको D R Y? देखो D R S नहीं, ये नहीं है, और ये रहा D D R Y ड्राई। तो इसको सर्कल कर देंगे। अब सनी देखो S कहाँ है, S J J नहीं, और कहीं देखो ये रहा S S U N N Y सनी सनी। इसको सर्कल करेंगे। देखो बच्चों हो गया। अगला है चिली, देखो कहीं नजर आ रहा है चिली, कहीं लिखा हो C H I L L Y कहाँ नजर आ रहा है आपको, ढूंढो ढूंढो। देखो ये देखो C H I L L Y चिली मिल गया। अब इसे सर्कल करेंगे। ये हो गया। चलिए बच्चों अब हमने सारे वर्ड सर्च कर लिए हैं और उन्हें सर्कल भी कर दिया है। तो बच्चों अच्छे से समझ समझ कर करनी है एक्सरसाइज, और इसे नेक्स्ट वीडियो में काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।